कुछ दिन पहले मैंने ट्राई की शिल्पा शेट्टी की डाइट और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा और फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो उस वीडियो में आप में से कई लोगों ने फायदे की बात को पकड़ा और मुझसे पूछा कि नोनी जूस क्या है, और कई और ऐसे लोग हैं जो उस वीडियो में गलतियां ही ढूंढते रह गए और उसके बारे में ही बात करते रह गए। तो गलतियों के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर वो वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि हम सब शिल्पा शेट्टी की हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल से कुछ सीख सके। तो नंबर वन चीज जो मैंने शिल्पा शेट्टी से सीखी, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था इससे पहले, जीरो नॉलेज थी, वो है कि शिल्पा शेट्टी अपने दिन की शुरुआत करती है नोनी जूस के साथ। अब ये नोनी जूस क्या है, मैंने भी यही सोचा जब मैं उनकी डाइट रिसर्च कर रही थी कि भई ये नोनी जूस क्या है, कहाँ से मिलता है, इसके क्या फायदे हैं। पर मैंने सोचा शिल्पा शेट्टी यूज करती हैं और रोज पीती हैं तो जरूर ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैंने शुरू की रिसर्च और उनकी डाइट फॉलो करने के लिए मैंने ऑर्डर किया नोनी जूस, और इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजें बताने वाली हूँ जो मुझे पता लगी नोनी जूस के बारे में। तो नोनी है क्या, नोनी एक फल है और उस फल का जूस जो है वो पीती हैं शिल्पा शेट्टी रोज। इंडिया और चाइना में ये बहुत 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 समय से यूज किया जा रहा है बहुत सारी बीमारियों को भगाने के लिए और अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आपने संजीवनी बूटी या संजीवनी फल तो सुना ही होगा, और कहा जाता है कि नोनी फल और नोनी जूस के इतने इतने लाभ हैं कि वो किसी संजीवनी फल से कम नहीं है। तो क्या है नोनी जूस के ये लाभ? नंबर वन, कहा जाता है कि जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं नोनी जूस उसको फाइट करने में मदद करता है, और कैंसर के पेशेंट्स के लिए ये काफी लाभदायक होता है। ब्लड प्रेशर को भी फाइट करने में नोनी जूस मदद करता है। तीसरी, इसकी बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए ये सूजन, जोड़ों में दर्द, इन सब चीजों में भी बहुत मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल्स को ये बैलेंस करने में मदद करता है। अगर किसी को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो या प्रेग्नेंट ना हो रहे हो तो भी नोनी जूस बहुत बहुत फायदेमंद होता है। कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत आराम देता है। औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद करता है। हॉर्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमें काफी तकलीफ होती है, कभी फेस पे एक्ने होता है जो प्रॉब्लम मुझे है, और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते, वो सब हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और बैलेंस करने के लिए नोनी जूस बहुत लाभदायक माना जाता है। और मोटापा कम करने के लिए भी नोनी जूस बहुत बहुत लाभदायक माना जाता है। अगर आपको सर दर्द हो या माइग्रेन्स की प्रॉब्लम हो तो भी नोनी जूस जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपके मुंह पे बहुत एक्ने या पिंपल्स आते हैं तो भी नोनी जूस बहुत लाभदायक माना जाता है। मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है और हॉर्मोनल एक्ने है ये, तो मैं आशा कर रही हूँ कि ये नोनी जूस पीने से इस मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉर्ट आउट होगी और थोड़ी कम होगी ये प्रॉब्लम, देखते हैं। नोनी जूस इम्यूनिटी बढ़ाता है, और अगर बाल झड़ रहे हो तो बालों का झड़ना भी कम करता है, और बालों का सफेद होना भी वो धीरे कर देता है, वो इतनी जल्दी सफेद नहीं होते। तो ये भी मैं होप कर रही हूँ कि मेरे साथ भी हो जाए कि बाल कम झड़े और सफेद ना हो बहुत जल्दी जल्दी। तो ये है काफी सारे बेनिफिट्स। उसके अलावा अगर खूबसूरती बनाए रखनी हो, इसकी बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, भर भर के विटामिन्स और मिनरल्स हैं इसके अंदर, इसीलिए ये एंटी एजिंग भी है। तो अगर आपको रिंकल्स और उन सब चीजों की तकलीफ है तो भी आप नोनी जूस यूज करना शुरू कर सकते हैं, ऑफकोर्स धीरे धीरे असर होता है। एक और चीज जरूर बोल दूं कि नोनी जूस यूज करने से पहले या ट्राई करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए, खासकर कि अगर आपको कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, स्पेशली अगर आपको किडनी की कोई तकलीफ हो या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नोनी जूस से दूर रहिए। और मैं फिर कहूंगी कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, खासकर कि अगर आपको कोई बीमारी या कोई तकलीफ हो।
अब हम बात करते हैं कि नोनी जूस कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। जैसे शिल्पा शेट्टी ने भी कहा, नोनी जूस आपको सुबह सुबह लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए ताकि उसका सबसे ज्यादा असर हो। और शिल्पा शेट्टी दिन की शुरुआत इससे करती है और मैं भी आजकल अपने दिन की शुरुआत नोनी जूस से कर रही हूँ। अगर आप दिन के बीच में ले रहे हैं या थोड़ा थोड़ा नोनी जूस दिन में दो बार ले रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि 10 से 20 मिनट खाने से पहले आप नोनी जूस लें और बीच में नोनी जूस और खाने के बीच में 10 से 20 मिनट का गैप रखिए, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि नोनी जूस कितना पीना चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और जो आप बॉटल खरीदेंगे उसके साथ भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तो 10 ml, 15 ml ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटीज से स्टार्ट करिए और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी तैयार है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, 30 ml तक भी जा सकते हैं। शिल्पा शेट्टी कहती है कि वो एक चम्मच लेती हैं, अभी वो एक टीस्पून लेती हैं कि टेबलस्पून लेती हैं कि कितना लेती हैं ये डिटेल मेरे पास नहीं है। आजकल मैं करीब 25 से 30 ml ले रही हूँ क्योंकि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था और अब मेरा उतना कंफर्ट लेवल बढ़ गया है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नोनी जूस जब आप पी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा असर हो आपके शरीर में, तो पानी खूब पीजिए, लिक्विड्स खूब पीजिए ताकि जो नोनी जूस के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके शरीर में अच्छी तरह से फैल सके और अपना काम अच्छी तरह से कर सके, जो भी विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर। और सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर ये वीडियो देखने पे आप कन्विंस हो गए हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं नोनी जूस, तो आप एटलीस्ट 90 से 100 दिन तक नोनी जूस रोज पीजिए और रोज ट्राई कीजिए। उससे कम में शायद आपको ज्यादा असर ना दिखे और किसी भी चीज को आपको 90 से 100 दिन तो जरूर देने चाहिए अगर आप उसका असर देखना चाहते हैं। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए 100 दिन तो लेना है, 100 दिन के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। फिर से कहूंगी, कुछ भी लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि मैं कौन सा नोनी जूस यूज कर रही हूँ। तो मैं जो नोनी जूस यूज कर रही हूँ वो है डिवाइन नोनी, ये बॉटल है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की। फिर भी नोनी जूस काफी महंगा है, ये 400 ml की बॉटल जो है ये 800 रुपए की है, शायद अमेजोन पे थोड़ा कम होगा पर ये MRP उसकी 800 रुपए है। ये नोनी जूस मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें एडिड शुगर नहीं है और ये कोल्ड प्रेस्ड जूस है, इसका मतलब कि इस जूस को निकालते समय कोई हीट या गरम किसी चीज का उपयोग नहीं किया गया और इससे ये होता है कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो बरकरार रहते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा और पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए कॉमेंट छोड़िए। और